वेलकम टू माय चैनल माईसा विशाल चौधरी। आप देख रहे हैं चार्ट टेक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले बजट सेगमेंट की गेमिंग कैबिनेट का रिव्यू, जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्राइस पर आती है और ये बजट गेमर्स को टारगेट करते हुए बनाई गई है। तो ये जो कैबिनेट है ज़ेब्रॉन की तरफ से आती हुई, इसका नाम है ज़ेब क्रोनस प्रीमियम गेमिंग कैबिनेट, जो आपको अमेज़ॉन पे भी मिलती है। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं सोचा इसका रिव्यू करते हैं। तो गाइस देखते हैं अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करती है, क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी कम है, 2000 में आपको मिल जाएगी सेल में। तो गाइस ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। सो गाइस बात कर लेते हैं उस कैबिनेट के बारे में जो हमने इस वीडियो में यूज़ करी है। तो उस कैबिनेट का मॉडल नंबर है ज़ेब्रॉनिक ZEB क्रोनस प्रीमियम गेमिंग कैबिनेट, जो आपको इसी नाम से अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। अगर आप सर्च करोगे तो आपको वहीं टॉप लिस्ट में दिख जाएगी। और इसका जो फ्रंट पैनल है वो मिरर फिनिश के साथ आता है, जो टेम्पर्ड ग्लास में, जो काफ़ी प्रीमियम कैबिनेट्स में आपको देखने को मिलता है। एंड इसका लेफ्ट वाला साइड पैनल है वो भी टेम्पर्ड ग्लास से बना हुआ है, जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और ज़्यादातर गेमिंग कैबिनेट्स में आता है। तो गाइस इस कैबिनेट की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो है इसमें जो फैंस आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, इसमें आपको 120mm के चार रेनबो डबल रिंग LED फैंस मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। और 2000 के प्राइस में कोई भी ऐसा कैबिनेट नहीं है जो आपको LED फैंस ऑफर करे, या एटलीस्ट फैंस भी ऑफर नहीं करता है। मैंने जो सबसे सही कैबिनेट देखी थी वो थी 4000 की, एक एंटी स्पोर्ट्स की कैबिनेट आती है, जिसमें आपको चार फैंस मिलते हैं जो RGB होते हैं। बट इसमें जो आपको फैंस मिले वो RGB नहीं है, वो रेनबो LED, मतलब उसमें जो आपको LED है वो एक ही तरफ रहेंगी, बट वो जलेंगी जब अपने ऑन करोगे, जब अपने सिस्टम को ऑन करोगे, तो मतलब थोड़ा तो लुक एनहेंस कर ही देंगे। क्योंकि 2000 का अगर आप प्राइस भी मानो तो 1500 के तो आपको चार फैन आराम से आ ही जाएंगे। अगर आप नॉर्मल फैंस भी कहीं दुकान से लेने जाते हो तो 500 रुपये की आपको कैबिनेट पड़ी, तो काफ़ी सस्ती हो गई है। तो मुझे भी इसलिए सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लगी। इसमें जो फैंस है वो 3 इनटेक के फ़ैन है और 1 एग्जॉस्ट का फ़ैन है, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एयर फ्लो करेंगे। और ये आपको काफ़ी महंगी महंगी कैबिनेट्स में देखने को मिलता है। और इसमें जो टॉप का डिज़ाइन है वो मैश, जिससे थोड़ा सा एयर फ्लो आपका और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज एंड फीचर्स के बारे में जो इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट फीचर जो इस कैबिनेट का, वो आपको चार फैंस जो मैंने आपको पहले बता दिया, जो एक RGB फैंस नहीं है बट रेनबो LED फैंस है, तो थोड़ा लुक एनहेंस करेंगे। और जो सेकंड चीज़ है वो इसमें आप सारे ATX और MATX मदरबोर्ड्स लगा सकते हो, मतलब आप इसमें ATX मदरबोर्ड्स और मिनी ATX मदरबोर्ड आराम से लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसमें फिर आप ड्राइव्स की बात कर लो तो आप एक SSD एंड 2 SSG लगा सकते हो, लगाने को अगर आप 3 SSD लगा सकते हो, बट थोड़ा आपको नीचे लगाना पड़ेगा जो लुक बिल्कुल बेकार कर देगा। तो मेरी मानो तो आप इसमें 2 SSD और 1 HDD लगाओ। और जो फोर्थ पॉइंट इसका है वो इसमें 7 एक्सपेंशन स्लॉट्स दिए गए हैं, जैसे एक्स्ट्रा फेरी पैनल्स के लिए, जैसे आपको वाईफाई कार्ड लगाना है, ग्राफिक्स कार्ड लगाना, बट आपको इसमें ग्राफिक्स कार्ड वर्टिकल माउंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो आपको एंटी स्पोर्ट्स की कैबिनेट मिलता है जो 4000 की आती है। मेरे को उसका मॉडल नंबर एक्जैक्टली याद नहीं, बट वो कैबिनेट भी काफ़ी अच्छी है, उसमें आपको वर्टिकल माउंट भी मिलता है। बट अगर आप वर्टिकल माउंट लेने जाओ तो 3000 का तो आपको माउंट माउंट पड़ेगा और 2000 की आपकी कैबिनेट, तो अगर आपको लगाना ही होगा वर्टिकल तो आप एक महंगी कैबिनेट लोगे। उसका जो फ्रंट पैनल, इसमें आपको पावर स्विच के बटन मिलते हैं, उसमें आपको एक USB 3.0 एंड एक USB 2.0 का पोर्ट मिलता है, एंड माइक्स और ऑक्स जो आपके हेडफोन के लिए होते हैं वो सबसे है ही इसमें। एंड जो लास्ट चीज़ का जो नाइस एयर फ्लो, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ये इतना ज़्यादा एयर फ्लो इनटेक कर रहा था कि आराम से आपका सारा सिस्टम कूल रह पाएगा। तो आप इसे बिल्कुल प्रीमियम कैबिनेट से कंपेयर नहीं कर सकते, बट हाँ अच्छा खासा एयर फ्लो आपको दे देगा। अगर आप एक 750 Ti और अच्छा सा i3 i5 प्रोसेसर है तो ये ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करेगा, आपका आराम से झेल लेगा। या पे 1050 या 1070 तक भी हो तो भी झेल लेगा, बट 2080 Ti वगैरह तो नहीं झेल पाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी डिसएडवांटेज से। तो उसकी डिसएडवांटेज जो मैंने आपको बताई, सबसे पहले तो वही कि ये GPU वर्टिकल माउंट का सपोर्ट नहीं है, तो ये मैं इसको डिसएडवांटेज की तरह नहीं कह सकता, इसको मैं कहता हूँ ये फीचर्स में दिया नहीं गया, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इतने सस्ते कैबिनेट में। और इसमें जो दूसरी चीज़ जो मुझे बेकार लगी वो इसमें PSU श्राउड नहीं दिया, जो गेमिंग कैबिनेट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपका जो पावर सप्लाई यूनिट होती है वो नीचे की तरफ होती है, बट इसमें आपको ऊपर लगानी पड़ेगी जैसे नॉर्मल कैबिनेट्स में आती है, तो वो थोड़ा लुक को ख़राब करेंगी। और आप कोई अच्छी पावर सप्लाई तो लुक थोड़ा अच्छा कर देंगी, बट अगर आप वो सिल्वर वाली पावर सप्लाई तो लुक इतना अच्छा नहीं रहेगा, मेरी मानो तो आप उसे चेंज ही कर लो। और जो थर्ड चीज़ उसमें डिसएडवांटेज है वो है इसमें आपको माउंटिंग नहीं दी गई कि ऊपर आप फैंस लगा सकते हो एक्स्ट्रा, इसमें आप चाहो तो बस नीचे ही 2 फैंस लगा सकते हो एक्स्ट्रा। ऊपर लगाने का फीचर होता तो ज़्यादा बढ़िया होता, क्योंकि ऊपर इसमें मैश का डिज़ाइन भी दिया है तो और अच्छा एयर फ्लो आता, बट बेस्ट है कि अगर बट ऊपर फिर PSU भी लगा हुआ है तो आप आराम से इसे नीचे लगा लो फैंस, अगर आपको लगाने हुए तो। मेरे मानो तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना एक्स्ट्रा फैंस लगाने की।
अब आपको मैं बता दूँ इसको लेना कैसे है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि इसे लेना कैसे। तो आप ही काफ़ी बार अमेजोन पे सेल है, जैसे 17th को भी अभी अमेजोन पे सेल आ रही है, जिसमें ये कैबिनेट 2000 का हो सकता है, 2000 या 2200 का हो जाएगा। काफ़ी सेल्स में 2000 का ही मिल रहा था जो मैंने कुछ टाइम पहले देखी थी, तो इसलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दूँ। एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए इस कैबिनेट का रिव्यू करना। तो गाइस सारे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस देखने के बाद मैं बताना चाहूँगा कि ये कैबिनेट किन किन लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। अगर आप पे एक नॉर्मल सा पीसी है, मतलब मिड एंड पीसी है, इतना ज़्यादा हाई एंड पीसी नहीं है, और आपको जैसे एक नॉर्मल सा गेमिंग कैबिनेट चाहिए जो आपके पीसी को थोड़ा अच्छा लुक दे दे, मान लीजिए आपके पास एक 750 Ti और एक 1050 टाइप जैसा कोई ग्राफिक कार्ड है, या i5 या i3 जैसा कोई प्रोसेसर है, तो आपको बस अपना लुक अच्छा करना है। आपको ये नहीं मतलब कि आपकी हाई एंड वाली गेमिंग होगी तो आपको इसे लगा सकते हो, आपका थोड़ा आपका पूरी सेटअप का लुक अच्छा हो जाएगा, और आपको कोई ज़्यादा RGB वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने नॉर्मल कैबिनेट से। अगर आप इसे नॉर्मल कैबिनेट से कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा जंप आपको मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लुक देखने को मिलेगा, आपका PC का लुक इतना अच्छा हो जाएगा, एयर फ्लो अच्छा हो जाएगा, और आपका PC थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। बट अगर आपके पास एक काफ़ी अच्छा PC मतलब 2060 या 2070 जैसे ग्राफिक्स कार्ड है, 1080 भी है, तो आप इस पर मत जाओ वरना आपका PC थोड़ा हीटिंग इशू दे सकता है। तो गाइस किस लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर चैनल को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहाँ पर मैं सारी डिटेल्स पहले ही दे देता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। We'll be right back.